एजुकेशन से रिलेटेड तमाम तब अपडेट्स हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप अपडेट आप तक मौसूल हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है फैज़ान लई। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के एडमिशन जो है वो ओपन कर दिए गए हैं। कल से जो ऑनलाइन पोर्टल है वो ओपन कर दिया जाएगा, तमाम स्टूडेंट कल से अपनी ऑनलाइन सबमिशन जो है वो कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की जानिब से किन किन प्रोग्राम में एडमिशन ओपन हो चुके हैं, किन किन प्रोग्राम में आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या इन प्रोग्राम्स के लिए कोई एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। जैसे हर यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट कंडक्ट कर रही है तो क्या इस यूनिवर्सिटी में भी एंट्री टेस्ट होगा या नहीं, और पंजाब यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन है वो किस बेस पर होंगे, इस वीडियो में तमाम तब आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करेंगे। अगर मैं बात करूँ कि आप किन किन प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, मैं जस्ट आप लोगों को प्रोग्राम के नाम बताऊँगा, बाकी चीज़ें आपने खुद देख लेनी है। इसमें बी एस आर्कियोलॉजी है, बी एस इंग्लिश है, बी एस फ्रेंच है, बी एस पार्क स्टडी, बी एस हिस्ट्री, बी एस फिलासफी, बी एस फिज़िकल एजुकेशन, बी एफ ए फाइन आर्ट्स, बी आर्किटेक्चर, बी एफ ए ग्राफिक डिज़ाइन, बी एफ ए फाइन आर्ट्स, बी एफ ए ग्राफिक आर्ट्स, बी एफ ए टेक्सटाइल डिज़ाइन, बी एफ ए परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड म्यूज़िक, उसके बाद बी एस पोलिटिकल साइंस, बी एस इंटरनेशनल रिलेशन, बी एस सोशल वर्क, बी एस सोशलॉजी, बी एस क्रिमिनोलॉजी, बी एस पब्लिक हेल्थ, बी एस डेमोग्राफी, बी एस वर्क प्लेस हेल्थ प्रोमोशन, बी एस न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, बी एस जेंडर स्टडीज़, उसके बाद बी एस अप्लाइड फिजियोलॉजी, बी एस क्लिनिकल फिजियोलॉजी, बी एस जर्नलिज्म स्टडीज़, बी एस कम्युनिकेशन स्टडीज़, बी एस पब्लिक रिलेशंस एंड एडवर्टाइजिंग, बी एस फिल्म एंड ब्रॉडकास्ट मीडिया स्टडीज़, बी एस डिजिटल मीडिया एंड कम्युनिकेशन, बी एस मीडिया एंड डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, बी एस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, बी एस कॉमर्स, बी एस ई कॉमर्स, बी एस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बी एस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, बी बी ए ऑनर्स, बी बी ए टू ईयर्स, बी एस इकनॉमिक्स, बी एस बिजनेस इकनॉमिक्स, बी एस मैनेजमेंट, उसके बाद बी बी ए फर्स्ट सेमेस्टर, बी बी आई टी, बी एस स्पेशल एजुकेशन, बी एस एजुकेशन, बी एस इंग्लिश, बी एस बिजनेस एजुकेशन, बी एस साइंस एजुकेशन, बी एस टेक्नोलॉजी एजुकेशन, उसके बाद बी एस इस्लामिक स्टडीज़, बी एस बॉटनी, बी एस माइक्रोबियोलॉजी एंड मॉलिकुलर जेनेटिक्स, बी एस जूलॉजी, बी एस बायोकेमिस्ट्री, बी एस ऑनर्स एग्रीकल्चर, बी एस अरबिक, बी एस कश्मीर स्टडीज़, बी एस पर्शियन, बी एस पंजाबी, बी एस उर्दू, बी एस मैथमेटिक्स, बी एस फिज़िक्स, बी एस स्पेस साइंसिस, बी एस कंप्यूटेशनल फिजिक्स, बी एस स्टैटिस्टिक्स, बी एस बायो स्टैटिस्टिक्स, बी एस केमिस्ट्री, बी एस टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, बी एस हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, बी एस एनवायरमेंटल साइंस, बी जी डी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सोसाइटी, बी एस अप्लाइड जियोलॉजी, बी एस जी आई एस, बी एस डिजास्टर मैनेजमेंट, बी एस जियोग्राफी, बी एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बी एस कंप्यूटर साइंस, बी एस आई टी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बी एस डाटा साइंस। ये वो तमाम प्रोग्राम हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में ऑफ़र किए जा रहे हैं। इन तमाम प्रोग्राम में आप अब तक अप्लाई कर सकते हैं। एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से डी फार्मेसी के एडमिशन अभी ओपन नहीं किए गए, इसके एडमिशन जो है वो बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी सेपरेटली अनाउंस करेगी। इसलिए तमाम ऐसे स्टूडेंट जो डी फार्मेसी के एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद हैं और उनका इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आ चुका है तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से डी फार्मेसी के एडमिशन ओपन होने तक का वेट करें। बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से ये सवाल सामने आ रहे हैं कि क्या पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से तमाम प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कोई एंट्री टेस्ट होगा या फिर नहीं। तो ऐसे स्टूडेंट सुन लें कि एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट जो है वो इस साल नहीं है, एडमिशन मैट्रिक और एफएससी बेस पर होंगे। मेरिट फार्मूला यही है कि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में एडमिशन एफएससी और मैट्रिक बेस पर होंगे। स्पेशली जो बीएस के प्रोग्राम्स हैं उनके लिए मेरिट फार्मूला आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इस तरह आप लोगों ने मेरिट फार्मूला निकाल लेना है बीएस के लिए। मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूं, इसमें जितने मार्क्स आप लोगों ने मैट्रिक में ऑप्टेन किया उसका 1/4 करना है, इसे प्लस करना है इंटरमीडिएट के मार्क्स के साथ और मज़ीद फिर इसे एडिशनल मार्क्स के साथ प्लस कर देना है और टोटल मार्क्स जो मैट्रिक और एफएससी के बने उसके साथ आप लोगों ने डिवाइड करना है और इसे मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। इस तरह आप लोग मेरिट फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। अब तक के लिए यही अपडेट, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।